नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक विषय अध्यापिका अंजलि राघोते। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तक से पाठ 3 आर्य समाज के नियम 3 से 6 इसका भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, आपको स्मरण है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने आर्य समाज का 3, 4, और 5 नियम समझ लिया था। आज की ई कक्षा में हम 6 नियम समझ लेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है 6 नियम। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आइए इस 6 नियम की व्याख्या को समझ लेते हैं। बच्चों, यह नियम कहता है कि आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। यह भलाई 3 प्रकार की है, जैसा कि हमने अभी नियम में पढ़ा। लोगों के शरीर की उन्नति अर्थात शारीरिक उन्नति, आत्मा की उन्नति अर्थात आत्मिक उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। कितने प्रकार की होती है उन्नति? 3 प्रकार की। उन्नति से तात्पर्य भलाई से है, विकास से है। लोगों के शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति, सामाजिक उन्नति, यह क्या है? यह भलाई के, उन्नति के 3 प्रकार है। तो आर्य समाज सभी लोगों की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो या किसी भी मत संप्रदाय का हो, वह सबकी भलाई करना चाहता है। आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। देखा आपने, शरीर की उन्नति यदि आप चाहते हैं, शारीरिक उन्नति यदि आप चाहते हैं, तो क्या करना होगा? अपने खान पान पर संयम रखना होगा, नित्य व्यायाम करना होगा, स्नान करनी होगी, ईश्वर का ध्यान करना होगा, संध्या के समय पूजा अर्चना भी तो करनी होगी और प्रार्थना करनी होगी ईश्वर की। इसी के साथ उत्तम ग्रंथों का पाठ भी पढ़ना होगा। गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए। संयमी का अर्थ क्या है? स्वयं पर नियंत्रण। यदि कोई गृहस्थ जीवन में है तो उसने स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना अपेक्षित है। क्या कहा गया है यहाँ पर? आत्मिक उन्नति के लिए किसकी आवश्यकता है? अष्टांग योग की, क्योंकि अष्टांग योग के द्वारा ही हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। अष्टांग योग 8 प्रकार के हैं, तभी तो उन्हें अष्टांग कहा गया है, अर्थात योग 8 प्रकार से किया जाता है।
इसे योग के अंग भी कहा जाता है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बच्चों, अगली ई कक्षा में इन योग के अंगों के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये तो रही बात आत्मिक उन्नति के लिए, कि आत्मिक उन्नति के लिए क्या जरूरी है, अष्टांग योग जरूरी है। सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में अकेला नहीं रह सकता। अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए उसे समाज के अन्य लोगों का साथ आवश्यक होता है। अब वह अपना सामाजिक विकास कैसे करेगा? तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, इन सभी के द्वारा उसके मन में सामाजिक भावना का विस्तार होगा, अर्थात समाज के कल्याण का भाव उसके मन में निर्माण होगा। बच्चों, यह था हमारा आर्य समाज का छठवां नियम। बच्चों, इस नियम से एक बात समझ में तो आ ही गई कि आर्य समाज का उद्देश्य विभिन्न मतों, संप्रदायों और जातियों के लोगों की भलाई करना है। उसी प्रकार हम भी आर्य हैं, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम भी समाज के उन लोगों की भलाई करेंगे जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। यहाँ पर आर्य समाज के नियम समाप्त होते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। इसके पूर्व आज का गृह कार्य या गतिविधि देख लेते हैं। बच्चों, आज के पाठ की गतिविधि है आर्य समाज का छठा नियम कंठस्थ कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ आ ही गया होगा। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।